एक समय की बात है, शकुंतला और राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया और दोनों वन में रहने लगे। शकुंतला के साथ कुछ दिन बिताने के बाद राजा दुष्यंत निशानी के तौर पे अपनी अंगूठी शकुंतला को देके अपने राज्य लौट गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत की याद में खोई हुई थी। शकुंतला से सत्कार न होने के कारण ऋषि दुर्वासा उसे शाप देते हैं। शकुंतला, तुम जिसकी याद में खोई हुई हो वो तुझे भूल जाएगा। ऋषि से अपने किए की माफी मांगती है। ऋषि का दिल पिघल जाता है। उन्होंने कहा कि जब तुम उसे निशानी के तौर पे दी गई अंगूठी दिखाओगी तो वो तुझे पहचान जाएंगे। परंतु शकुंतला से वो अंगूठी तालाब में गिर जाती है। शकुंतला ऋषि मारिच के आश्रम में रहने लगती है और एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म देती है। मरिच ने विधि पूर्वक उसका जातकर्म किया और उसका नाम सर्वदमन रखा। सर्वदमन 6 वर्ष की आयु में ही सिंह, बाघ, हाथी को आश्रम में पेड़ के साथ बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। यहाँ तक कि वे बाघों के दांत तक गिन लिया करता था। जब राजा दुष्यंत वायु मार्ग से जा रहे थे तब उन्हें एक बालक के खेलने की आवाज सुनाई पड़ी। वे इसके निकट पहुंचे तो वह एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत उसे इस तरह हिंसक जानवर के साथ खेलते देख हैरत में पड़ गए। तभी वहां पर दो स्त्रियां आई और सर्वदमन को आश्रम पर ले जाने की कोशिश करने लगी, जिससे कि सर्वदमन के हाथ में बंधा जंतर खुलकर भूमि पर गिर गया। उस बालक की बहादुरी और सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत उस बालक के पास चले आए और उससे कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। न कहकर राजा ने भूमि पर पड़े कुछ जंतर को उठा लिया। दोनों स्त्रियां घबरा गई और राजा से कहने लगी कि आपको उसे नहीं छूना चाहिए, यह जंतर भरत की बांह पर ऋषि मारीच ने बांधा है जिससे इसको किसी प्रकार की हानि न हो सके। इस जंतर को इसके माता पिता के सिवा और कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा इसे स्पर्श करेगा तो यह सर्प में परिवर्तित होकर उन्हें डस लेगा, लेकिन राजा को कुछ नहीं होता। मुझे अपनी माता के पास ले चलो। तब सर्वदमन उन्हें माता शकुंतला के पास ले गए। आश्रम पहुंचकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने किए हुए व्यवहार पर क्षमा मांगी और बताया कि वे अंगूठी मिलने के बाद ही उन्हें संस्मरण हुआ। तब शकुंतला ने सर्वदमन से कहा, पुत्र यही तुम्हारे महान पिता राजा दुष्यंत है। तब राजा ने कहा, चलो राज्य चलते हैं। इस पर शकुंतला ने कहा, पहले हमें ऋषि मारीच की आज्ञा लेनी चाहिए। जब मेरी माता मेनका ने मुझे इस आश्रम पर छोड़ दिया था तब पिता मारीच ने ही इतने वर्षों तक मेरी रक्षा की थी। तब वे दोनों ऋषि मारीच के पास आज्ञा लेने के लिए पहुँचे। शकुंतला ने कहा, पिताजी मेरे पति मुझे अपने राज्य में ले जाना चाहते हैं और इस पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। तब ऋषि मारीच ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अपनी प्रजा की खुशी के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। तुम्हारा बालक इस भूमि का महान शासक बनके क्यों उभरेगा। राजा दुष्यंत ने राज्य वापस जाकर उसका नाम भरत रखा, जो आगे चलकर महान राजा बना। इसी के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा।